बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां पर दो दिनों से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। बता दें कि लंबे समय से दिल्ली वालों को इंतजार था इस बारिश का। बढ़ती गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। सितंबर तो इस साल का सबसे गर्म महीना रहा। लगातार गर्मी में इजाफा होता रहा, बारिश के लिए मौसम बना, लेकिन कभी बारिश नहीं हुई। अगर बारिश हुई भी तो बेहद हल्की, और उससे उमस और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन दो दिनों से शुक्रवार और शनिवार को जिस तरह से बूंदाबांदी देखी गई, मौसम में ठंडक महसूस की गई। बता दें कि शुक्रवार से ही मेहमानों का आना दिल्ली में G20 बैठक के लिए शुरू हो गया था, जहां एक तरफ दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेहमान आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार और शनिवार सुबह हल्की बारिश ने मेहमानों का स्वागत किया। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि इस सीजन के औसत तापमान से 3 डिग्री अधिक है। आपको मौसम की ताजा अपडेट दें तो राजधानी शहर में आज का न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को दिल्ली में बूंदाबांदी के आसार है, यानी कि दोनों दिन मौसम सुहावना रहने वाला है। आपको बता दें ये वही दो दिन हैं 9 और 10 सितंबर के शनिवार और रविवार, जब दिल्ली में G20 बैठक होनी है। विश्व की महाशक्तियों का, नेताओं का महाजुटान दिल्ली में हो रहा है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तेज गर्मी और उमस से जूझ रही दिल्ली के लिए निश्चित रूप से राहत वाली खबर है। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 27 और 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में इस बार सितंबर का पहला सप्ताह बीते 12 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। हमने आपको जैसे शुरुआत में ही बताया कि जो सितंबर माह रहा, वो दिल्ली वालों के लिए बेहद परेशान करने वाला रहा। बारिश हो नहीं रही थी, लगातार गर्मी बढ़ रही थी, माहौल बन रहा था गर्मी से निजात कहां से पाए, लेकिन बारिश ने हल्की फुल्की बूंदें अगर अपनी बिखेरी भी तो उसने उमस का रूप ले लिया। राहत नहीं मिली, तापमान में गिरावट महसूस नहीं की गई। बारिश नहीं होने से लोग लगातार गर्मी झेल रहे थे, हल्की बारिश और बादल छाने से अब जरूर दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलती नजर आई है। बात पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की कर लें तो दिन के वक्त गाजियाबाद में आसमान साफ रहेगा, वहीं शाम होते होते आसमान में बादलों का डेरा हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल 9 सितंबर को यूपी के सेंट्रल एरिया और पूर्वी भाग में चमक और गरज के साथ भारी बारिश होगी। आज उत्तरी कोंकण और गोवा और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा पूर्वी गुजरात और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से बीते दिनों मौसम अपना तांडव दिखा रहा था, गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही थी, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आगे भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है, परेशान करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। G20 बैठक से ठीक पहले दिल्ली का मौसम सुहावना हो गया, मेहमानों के लिए आसमान ने स्वागत करना शुरू किया। इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।